मिडडे का इवेंट बहुत अच्छा लगा और बहुत खूबसूरत जगह मैंने पहली बार ये मॉल भी देखा और यहाँ पे इतना अच्छा क्राउड भी है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत प्यार जब दिखाते हैं। सो आई थिंक ये अच्छा करते हैं आप लोग, समर के टाइम पे ऐसी इवेंट करना लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। और हम लोग अभी ट्राई करेंगे आप लोगों के कूलर्स क्या क्या हैं, बिकॉज हम भी पसीने से तर बतर हो रहे हैं। फिर आपकी फिल्म का प्रमोशन भी कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। हमारी फिल्म है टिप्सी, जो एडवेंचर थ्रिलर है और हु डन इट है। और ये इस फिल्म में पांच मुख्य कलाकार में पांच लड़कियां हैं और इसमें से अभी तीन अभी आई हैं, दो अभी आज आ नहीं पाई हैं, लेकिन उनको आप स्क्रीन पे देखिए और पांचों को देखिए और एंजॉय कीजिए फिल्म को। ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि फिल्म को ज़रूर देखिएगा 10 मई को, और हम सब ने बहुत मेहनत की है एंड एज एन ऑडियंस आप बहुत इन्जॉय करोगे फिल्म को। सो विश इज़ ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैं कहना चाहूँगी ज़रूर थिएटर आओ, आओ बहुत आओ, सब लोग आओ और हमारी मूवी देखो, मज़ेदार है, बहुत मज़ा आएगा। खूबसूरत खूबसूरत पाँच पाँच अप्सराए है और दीपक तिजोरी सर ने डायरेक्ट किए, वो भी एक्ट कर रहे हैं। सो फुल धमाकेदार टिप्सी, टिप्सी विद अ ट्रिपल पी। वही जो सोनिया ने कहा, टिप्सी विद अ ट्रिपल पी, 10th ऑफ मई, प्लीज गाइस कम टू द सिनेमास एंड सपोर्ट अस एंड प्लीज गिव अस अ लॉट ऑफ योर ब्लेसिंग्स। हाँ, बहुत सालों के बाद एक्चुअली मैं समझता हूँ कि मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जितना प्यार मुझे पहले दिया है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं दोबारा अभी इस फील्ड में वापस आ रहा हूँ और इसको आप थिएटर में देखें और इसे एंजॉय करें और उतना ही प्यार बरसाएं हम लोगों पर। थैंक यू सो मच। जैसे कि आप जानते हैं, जब से मैं मुंबई में शिफ्ट हुई हूँ चंडीगढ़ से और मिडडे से मेरा काफ़ी क्लोज नाता रहा है। मैं किसी भी अवार्ड फंक्शन पे, इवेंट पे या कोई भी मेरा काम सामने आता है तो मिडडे ने हमेशा मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचाई है, लोगों से मुझे कनेक्ट किया है और इसलिए मुझे हमेशा ही एक वो सॉफ्ट कॉर्नर या एक वो रिस्पेक्ट रहती है मिडडे के लिए। और आज जब मुझे इन्विटेशन आया कि मैं यहाँ पे कूलर्स का जो इवेंट चल रहा है उसको आके ज्वाइन करूँ, तो मुझे एक बहुत ही वार्म फीलिंग आई, बिकॉज ये एक बहुत ही प्यारा सा एक इवेंट है जहाँ पे जो बिल्कुल सीज़न में अभी इतनी गर्मी पड़ रही है और ये इतना अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, शहर के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है, बिज़नेस ओनर्स को जिनके पास काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं प्रेजेंट करने के लिए सीजनल एंड और बहुत ही अच्छा ये मॉल है, ये बहुत लोकेशन बहुत अहम है जहाँ पे ये अच्छे तरह से कंडक्ट किया जा रहा है और मैं इसका हिस्सा बनी हूँ, उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, अभी हमने इंटरनली ट्रेलर डिस्कस किया है, बहुत ही प्यारा है और सस्पेंस से भरी हुई मूवी है। अभी नाम और डेट मैं नहीं अनाउंस कर सकती क्योंकि मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं प्रोडक्शन टीम की तरफ से, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, जल्द ही अनाउंस करेंगे। मैं खुद तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो मेरी पहली फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है जिसमें मैं एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रही हूँ और पूरी स्टोरी मेरे इर्द गिर्द घूम रही है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उसके अलावा मैं तमिल तेलुगू में पहले काम कर चुकी हूँ और नेक्स्ट जो मेरी अनाउंसमेंट है वो कन्नडा में है, अगेन दैट इज़ अ वेरी बिग एक्साइटिंग थिंग फॉर मी हैपनिंग राइट नाउ। दीपक तिजोरी सर में काम करके कैसा एक्सपीरियंस है आपका? रॉन्ग, मैंने उनके साथ काम नहीं किया। लास्टली ऑडियंस से क्या मैसेज देंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, जुड़े रहिए, थैंक यू सो मच, जितना प्यार कर कर के आप मुझे यहाँ तक लेके आए हैं, हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहिए, आपके प्यार की ही मैं आभारी हूँ और वही एक कारण है जब रोज़ सुबह उठती हूँ काम के लिए निकलती हूँ, वो एक अलग ही एनर्जी और पॉजिटिविटी मेरे में भरता है। मुझे लगता है मैं आप लोगों के लिए ही बनी हूँ, थैंक यू सो मच।